नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, मैंने अपने गार्डन में कई तरह से वेस्ट मटेरियल का यूज कर रखा है। घर की बेकार की चीज़ों को गार्डन में इस्तेमाल कर रखा है और उनमें से एक चीज़ है जो बोतल होते हैं, जो बेकार के पेप्सी वगैरह के बोतल आते हैं, उनका मैंने अपने गार्डन में बहुत इस्तेमाल कर रखा है। इस पर मैंने एक वर्टिकल प्लांटर बनाने पर पहले भी वीडियो बनाया था और आपसे शेयर किया था। आज मैं आपको अपने पूरे जितने भी मैंने बोतल्स में प्लांट लगा रखे हैं वो दिखाऊंगी और उनके लिए मैं उन प्लांटर्स में कैसे कैसे प्लांट चूज करती हूँ बोतल में लगाने के लिए और कौन सा पेंट करती हूँ और किस तरह से उनको हैंग करती हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी। दोस्तों, ये देखिए, आपके सामने मैं आपको अपना एक वर्टिकल प्लांटर दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, ये तीन इसमें बने हुए हैं प्लांटर लगा रखे हैं मैंने। ये वर्टिकल प्लांटर बना रखा है, इस पर मैंने बूस्टन फर्न ग्रो कर रखा है और ये देखिए, आप इसकी हेल्थ देख लीजिए, ये बहुत अच्छी तरह से इसमें चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने जो प्लांटर बना रखे हैं, एक तो बोतल से बना रखे हैं वर्टिकल वाले, यानी कि उसमें तीन बोतलें मैंने लगा रखी हैं और एक कुछ मैंने सिंपल बना रखे हैं, एक बोतल को कट करके दो, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये पर्पल हार्ट लगा है एक बोतल के, ये जो बड़ी बोतलें होती हैं 2 लीटर की, उसके नीचे वाले पार्ट्स में। तो कुछ ऐसे इस्तेमाल कर रखे हैं, कुछ एक बोतल जो छोटी होती हैं उनको ही काट के ऊपर के हिस्से में कुछ नहीं ग्रो कर रखा है, नीचे के हिस्से से इस तरह के मैंने प्लांटर बना रखे हैं। तो आज आपको मैं अपने बहुत सारे जो प्लांटर हैं मेरे बोतल के वही सब दिखाऊँगी और उन प्लांट्स के बारे में बताऊँगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जो बोतल प्लांटर होते हैं इनके लिए हमें कैसी सॉइल बनानी चाहिए। इनके लिए हमें हल्की और वेल ड्रेन सॉइल बनानी चाहिए। हल्की यानी कि इसके अंदर आप जो है कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वन पार्ट गार्डन सॉइल, वन पार्ट जो है इसमें कोकोपीट और थोड़ी सी मात्रा में सेंड मिला सकते हैं, जिससे कि ये जो इसकी मिट्टी होगी वो वेल ड्रेन होगी। पर अगर आपके पास कोकोपीट वगैरह नहीं है, मैं भी कोकोपीट का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसकी जगह पर जो गार्डन की पुरानी पत्तियाँ होती हैं, जो आप अपने गार्डन में डेली झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उसके बाद बहुत सारी लीव्स निकलती हैं, जो पुराने फ्लावर्स होते हैं उनके अवशेष होते हैं, उन सबको इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके उनको रखते जाइए। और जब आप ऐसे प्लांटर बनाते हैं तो उनकी तह में नीचे की साइड इसको भर दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्लांटर भी हल्का हो जाएगा और जो ये इसके जो प्लांट इस पर लगाएंगे उसको खाद का भी काम करेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको इनकी मिट्टी के बारे में बता दिया। दोस्तों, मेरे से कई लोगों ने ये पूछा है कि मैं इसमें कौन से कलर का इस्तेमाल करती हूँ इन प्लांटर को पेंट करने के लिए। तो दोस्तों, इन प्लांटर में अधिकांश मैं जो है जो इसका बेस कोड है वो ऑयल पेंट से या एक्रेलिक से, जैसी मेरी सुविधा होती है उस हिसाब से मैं इसमें लगाती हूँ। पर अगर आप इसका बेस कोट ऑयल पेंट कर देंगे और उसके बाद जो भी इसमें पुलका डॉट वगैरह का डिज़ाइन आप डालें या जैसे भी कुछ और डिज़ाइन डालें, तो उसके लिए एक्रेलिक कलर ठीक रहता है। अगर एक्रेलिक कलर से ही हम इसको पेंट करके छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, एक्रेलिक कलर जल्दी ख़राब हो जाते हैं बारिश वगैरह में। अब दोस्तों, मैं आपको इन बोतल प्लांटर के एज के बारे में बात करती हूँ। इनकी एज जो होती है, इनकी लाइफ जो चलती है वो 3 से 4 साल तक आराम से चलती है। ये जो है ख़राब नहीं होते हैं। हर साल आप इसको एक बार अगर आप इसको पेंट करके दोबारा से डिजाइनिंग वगैरह कर देंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और लॉन्ग लाइफ चलते हैं ये। नेक्स्ट आता है, मैं इनको हैंग कैसे करती हूँ। तो दोस्तों, जो मैं वर्टिकल प्लांटर बनाती हूँ उस पर देखिए, मैं क्योंकि ये 3 बोतल एक साथ लगी होती हैं इसमें और इनकी हाइट ज़्यादा होती है, तो मुझे किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है जो इसको लॉन्ग टाइम तक इस पर जो है स्टैंड कर सके, तो मजबूत हो और लंबे समय तक गले नहीं। तो इसके लिए मैं घर में पड़े हुए जो पुराने बिजली के तार होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ, वो बहुत ही मजबूत होते हैं। अब मैं इसको बनाने के बारे में बताती हूँ आपको। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है कैसे बना रखा है, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। सबसे पहले कोई बोतल लेकर उसको सेंट्रल से काट देते हैं, सेंटर में उसमें जैसे इतना स्पेस बना देते हैं कि उस पर कोई प्लांट हम लगा सकें। उसके बाद जो है उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में हम एक डोरी डालते हैं और छेद करते हैं तीनों को बराबर इस स्थिति में रख कर, तीनों बोतलों को, जिससे कि छेद बराबर होंगे तो हमारी डोरी जो पड़ेगी हम जो उसमें
बाहर डालेंगे वो जो है वो बराबर बने, और फिर उसमें हम सबसे नीचे एक गांठ लगाते हैं, फिर जो है हर बोतल के बाद गांठ लगाते जाते हैं। इस पर मेरा डिटेल वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से पूरा प्लांटर बनाना बता रखा है। और उस वीडियो में मैंने यही प्लांटर जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें इस समय ये बेबी टीयर्स मैंने ग्रो कर रखे हैं तो ये लगाए हुए थे, इसके बारे में बता रखा है। मैं जो सिंगल वाले बनाती हूँ उसके अंदर जो लटकाने के लिए मैं डोरी का इस्तेमाल करती हूँ वो इस तरह के मैं एक गोले बाज़ार में मिल जाते हैं, ये मैक्रम का धागा होता है, इससे जो है लोग कई तरह की डिजाइनिंग वाली चीज़ें बनाए घर को सजाते हैं, इनको ले आती हूँ तो इसी से मैं इसको हैंग कर देती हूँ। पर ये इतना मजबूत नहीं होता है, पर ये बोतल थोड़ी सिंगल होती हैं, इसका वेट सहन कर लेती हैं, पर इसको मैं हर साल महीने 7 महीने 8 महीने जब मुझे लगता है कि ये डोरियाँ थोड़ी सी चलने लग गई हैं, देखिए मैं 2 कलर की लाई हुई हूँ, एक साथ लाई थी तब से मैं इन्हीं का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत महंगी भी नहीं पड़ती हैं और ये जो है हैंग करने में अच्छी लगती हैं। जब ये गलने लग जाती हैं तो उसके बाद मैं इनको हटाकर दोबारा से नई डोरियाँ लगा देती हूँ। दोस्तों ये देखिए एक प्लांटर है, ये बोतल देखिए, ये बोतल का ऊपर का हिस्सा है, जैसा कि मैंने बताया आपको इसमें किनारे पर 2 छेद करके और बीच में मिट्टी भर के मैंने आपको बता दिया सॉइल कैसी हमने बनानी है, और ये वंडरिंग जीव का प्लांट चल रहा है। अब मैं आपको सब ये दिखाऊंगी कि मैंने बोतल में कौन कौन से प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं। ये देखिए दूसरी बोतल में ये सीडम की वैरायटी ग्रो कर रखी है, ये जो है ज़्यादा बारिश से इसका प्लांट जो है थोड़ा सा इस तरह से हो गया, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। ये स्पाइडर प्लांट है और ये देख लीजिए बहुत हेल्दी प्लांट है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ऑक्सीजन देने वाला प्लांट भी ये होता है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाले प्लांट में से आता है। अब देखिए इस बोतल को देख लीजिए आप, इसमें कितनी अच्छी तरह ये बिगोनिया का प्लांट चल रहा है, ये जो है इसको ज़्यादा बारिश से हमने बचाना होता है, इसलिए मैंने इसको स्टैंड के किनारे पर हैंग करके लगा रखा है। ये देखिए दोस्तों जो हम सेकुलेंट का कलेक्शन चाहिए होता है उसके लिए हमको बहुत छोटे छोटे पॉट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि जब बड़े पॉट्स में अगर इनको हम लगाते हैं तो ज़्यादा पानी पड़ जाता है बड़े पॉट्स में, उससे ये प्लांट्स जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए स्टिंग ऑफ बनाना है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, ये देख लीजिए आप इसकी कितनी अच्छी हाइट आई हुई है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, मैंने इसे कटिंग से भी तैयार कर रखा है। ये देखिए एक दूसरा सेक्युलेंट है डोंकी टेल, ये भी मैंने इसमें छोटी बोतल में ही ग्रो कर रखा है। ये देखिए रिबन ग्रास, ये मैंने इंडोर लगा रखा है और इस पर ऊपर भी मैंने फ्लावर बना रखा है, इस फ्लावर को बनाने के लिए मैं कभी अलग से आपको वीडियो बनाकर बताऊंगी। ये देख लीजिए बहुत अच्छे से चल रहा है इसके अंदर, ये इंडोर है। दोस्तों ये क्रिपर चार्ली है, देख लीजिए आप बहुत अच्छी इसमें ग्रीनरी मेंटेन है और दोनों बोतलों में मैंने यही लगा रखा है। मैंने सीढ़ी पर कुछ ऐसी बोतल्स को काट कर हैंग कर रखा है, और इस पर देखिए ये रियो का प्लांट देख लीजिए आप कितनी अच्छी तरह चल रहा है इन बोतलों पर, और ये इसमें सीढ़ी में हैंग कर रखी है। ये देख लीजिए जेट प्लांट की हेल्थ देखिए आप, आराम से चल रहा है प्लांट इसमें। दोस्तों ये हटजोड़ है, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये भी बोतल में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। ये रिवन ग्रास का पौधा है, ये जो है डिवाइड करके नए प्लांट तैयार होते हैं इससे। ये देखिए जेट प्लांट जो अभी तक मैंने आपको दिखाई वो छोटी बोतल दिखाई थी, ये थोड़ी सी बड़ी बोतल है, उसका ऊपर का पार्ट है और इसमें जेट प्लांट देखिए बहुत अच्छी तरह चल रहा है। ये जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी सी बड़ी बोतल में लगा हुआ प्लांट दिखाया था, ये देखिए इसको बॉल्बियन व्यू भी कहते हैं और टर्टल वाइन की ही दूसरी वैरायटी भी कहा जाता है, तो ये देखिए इस पर भी बहुत अच्छी तरह से ये प्लांट चल रहा है ये। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने कुछ बोतल्स पर लगे हुए प्लांट दिखाए और बताया कि इनके लिए किस तरह की सॉइल का इस्तेमाल करना है हमको। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनके फर्टिलाइज़र किस तरह से करें आप। फर्टिलाइज करने के लिए इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ठीक रहता है, जिस समय आपने इसकी सॉइल रेडी करते हैं उस समय तो इसमें हम जो कम्पोस्ट मिला दें, और उसके बाद जो है हर बार इसमें हम कम्पोस्ट वगैरह नहीं मिला पाएंगे, तो इसके लिए जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उनको इनमें दे सकते हैं। अब पानी जो है ऊपर वाली बोतल देंगे, जो वर्टिकल प्लांट में बहुत बढ़िया रहता है सिस्टम, ऊपर वाली बोतल को आप पानी देंगे तो वो पानी डिस्क के नीचे भी आता है और नीचे की बोतल को भी मिल जाता है। उसके अलावा बारिश के समय में इन बोतलों को आप जहां हैंग कर रखी हैं आपने वहां से निकाल के अगर आप खुली बारिश में रखेंगे तो इन प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे प्लांटर हैं, आप भी अपने यहाँ ज़रूर बनाए ये प्लांट। तो दोस्तों अब देखिए मैं अपने गार्डन में खिले हुए कुछ फूल्स को आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए ये डहेलिया में आज अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और अब इस समय थोड़े से फूल बंद होने के हुए, अभी शाम का समय है। अब मैं आपको फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगी, आपको ये जीनिया के फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।